जगह जगह तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी निकालकर मनाया गया आज़ादी का जश्न। पूरे क्षेत्र में तिरंगे झंडे और राष्ट्रीय नारों के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के धनुपुर ब्लॉक के शिक्षण संस्थानों में भी आज़ादी का जश्न उल्लास के साथ मनाया गया। मर्रो गाँव में ग्राम प्रधान राकेश यादव की अगुवाई में प्राथमिक विद्यालय परिसर से 75 मीटर लंबा तिरंगा लेकर क्षेत्र भ्रमण किया गया। गाजे बाजे के साथ राष्ट्रीय नारों को लगाते हुए लोग गांव के विभिन्न बस्तियों में घूमकर आज़ादी के जश्न को साझा किया। इस मौके पर ग्रामवासी, ग्राम सचिव, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, रोजगार सेवक व ग्रामवासी मौजूद रहे। इसी तरह धनुपुर कस्बा स्थित GGIC गर्ल्स इंटर कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य सैफाली रावत ने ध्वजारोहण किया। विद्यालय परिसर में राष्ट्रगान व राष्ट्रीय नारे लगाए गए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने देशभक्ति आधारित गीत व लघु नाटिका प्रस्तुत किया। इस मौके पर स्मिता गुप्ता, उर्वशी, सुमन यादव, मंजू भारती, प्रविता, लता सरोज, अंजलि, जितेंद्र कुमार यादव, देवी प्रसाद पांडे समेत शिक्षिका व छात्राएं मौजूद रही। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय सेवना व पंचायत भवन परिसर सेवना में ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी पांडे ने ध्वजारोहण किया। परिसर में ही राष्ट्रगान हुआ तथा राष्ट्रीय नारों की गूंज रही। प्रधान ने देश की आज़ादी में बलिदान हुए वीर सपूतों को याद करते हुए कहा कि हमारा देश इसलिए भी महान है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए स्वाधीनता के दीवानों को हम सब हर पल याद रखते हैं। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि पिंटू पांडे, राधाकिरण पांडे, मदन लाल पांडे, बबलू पांडे, सचितानंद पांडे, प्रमोद पांडे, रविंद्र कुमार पांडे, आशुतोष पांडे, सतीश यादव सत्या, विशाल यादव, अमित कुमार गौड़, सत्यम शर्मा सहित पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, पंचायत सहायक नीरज दुबे समेत सफाई कर्मी व ग्रामवासी मौजूद रहे। खास रिपोर्ट मनीष शुक्ला, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, हंडिया प्रयागराज। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हम चाहते हैं कि सोलह का स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्षेत्रवासी क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम हम सभी ग्रामवासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और सभी ग्रामवासियों को कोट कोट धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि समय अनुसार इस बारिश के मौसम में आ करके इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काफ़ी भीड़ में स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया और साथ साथ पत्रकार मंडलों का भी स्वागत करते हैं कि आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय और इंटर मीडियट कॉलेज की बहुत करके भाई लिया कार्यक्रम देखते हैं और आप लोगों को धन्यवाद मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, ये उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।